जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 25 नवंबर 2022 शुक्रवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है और द्वितीय तिथि 22:36 और 31 सेकंड तक रहेगी। आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और 23 डिग्री पर विद्यमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी बुधदेव है। दर्शकों, आज चंद्र दर्शन भी है और आज का राहु काल 10:53 और 40 सेकंड से 12:13 और 37 सेकंड तक रहेगा। आज का विजेत मुहूर्त 11:52 से 12:34 तक रहेगा। दर्शकों, जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं, आज शुक्र का रत्न ओपल धारण जरूर कर सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज दुर्गा माँ की आरती आपको अवश्य करनी है। मात्र यही उपाय आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य दिलवाएगा। दर्शकों, जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है, उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, नक्षत्र से चंद्रमा का प्रथम का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:53 और 47 सेकंड पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही शुक्र है, बुध है, सूर्य है और चंद्रमा है। शनि मकर राशि में है, बृहस्पति मीन राशि में है, राहु मेष राशि में है, मंगल वृषभ राशि के अंदर है और तुला राशि के अंदर केतुदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। दर्शकों, आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों से। आज का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि मन थोड़ा व्यथित भी है, परेशान है और आज आप कैलकुलेटिव तरीके से काम भी नहीं कर रहे हैं। जो मन में आया किया, जो मन में आया नहीं किया, आज इसी तरह का रवैया आपका जरूर रहेगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बुध आपको कैलकुलेटिव तरीके से काम करने के लिए प्रेरित तो करेगा, लेकिन मन कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति पैदा करेगा। दिमाग कहता है ये काम करना चाहिए और मन कहता है रुक जाओ, क्या करोगे। ये द्वंद्व की स्थिति आज आपको परेशान बहुत करेगी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको दूसरों का सहयोग साथ मिले इसकी संभावना तो बनती है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं कोई लालची व्यक्ति आपके आज संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि वो आज आपके व्यवहार कुशलता का मिसयूज करने की कोशिश भी जरूर करेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कराएगा। ये ओवरथिंकिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप आज एंड निर्णय की स्थिति में हैं। काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूं या नहीं करूं, क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के आज स्थिति ऐसी है कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपको बेहतर तरीके से काम को नहीं करने देगा, लेकिन यदि आपने बुद्धिमत्ता से काम लिया, अपनी भावनाओं को पीछे रखा और बुद्धि का प्रयोग किया तो परिणाम आपके अच्छे जरूर होंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप कैलकुलेटिव तरीके से काम तो करेंगे, लेकिन अति उत्साह में आपको नहीं आना है। आज लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, इसीलिए व्यवहार कुशलता से, कैलकुलेटिव तरीके से और हर चीज को समझते हुए निर्णय लीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप बनावटी बातों को इस तरह से पेश करेंगे कि सामने वाला आज आपकी बात सुनने के लिए बाध्य जरूर होगा, क्योंकि आज आप सधे हुए शब्दों का प्रयोग और उनको कैसे उससे डिप्लोमेसी आपको करनी है यह आज आपको अच्छी तरह से पता है। आज आप जो कहें उस बात पर साधारणता लोग यकीन भी कर ले, धन आगमन भी सुगम हो, और अगर इसको और सरल भाषा में ये कहूं तो आज आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, आपकी बात पर सामने वाला यकीन भी करेगा और आपके काम बनेंगे भी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको मानसिक चिंताएं थोड़ा परेशान करेगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो आपने भाग्य के भरोसे शुरू किए हैं और अब आप उनकी अव्यवस्थाओं को लेकर के थोड़े चिंतित हैं। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए,
आज किसी भी कार्य को करते समय इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग दिशा में चल रही है और इनको एक दिशा में रख करके ही कार्य करने में आज आपकी भलाई है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको लोग थोड़ा ताना देने की कोशिश करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि आप जिन लोगों पर विश्वास करके काम कर रहे थे आज वो आप पर एहसान जताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यदि आज जरूरत ना हो तो किसी का सहयोग ना लें तो बेहतर है। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बुध आपको गहरी समझ सोच दे रहा है, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, आज लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे, बस मन के अंदर डर को हावी नहीं होने देना है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि बुध आपको आज कई अवसर दिलवाएगा और ये अवसर इसलिए भी आपको मिले हैं क्योंकि आपने मेहनत भी की है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आज आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है ये तो ठीक है, लेकिन कोई आपकी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश ना करे इसका आपको ध्यान अवश्य रखना है। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से कार्य करेंगे, एक साथ कई काम करने की कोशिश भी करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। आज जितने भी आपके फैले हुए काम हैं उन सबको आज पूरा कर लीजिए क्योंकि आज छोटे छोटे काम जितने भी हैं उनको समेटने में आपका ध्यान रहेगा और आज पूरी तरह से अपने पेंडिंग कामों को खत्म करने का आपने जो संकल्प लिया है वो आज आपका पूरा भी होगा। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।